12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार विधानसभा भवन का ऐतिहासिक शताब्दी समापन समारोह मनाया जाएगा। विधानसभा सचिवालय, राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोदी बिहार विधानसभा पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर के पूरा विवरण तैयार कर लिया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मंगलवार 12 जुलाई को करीब 2 घंटे पटना में रहेंगे। रविवार को बिहार विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक के दौरान पटना के डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीएम के कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई की शाम 5:20 पर विशेष विमान से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे 5:55 पर बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित शताब्दी समारोह में शिरकत करने जाएंगे। विधानमंडल परिसर में पीएम 6 बजे पहुंचने के बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ और 100 औषधीय पौधों से युक्त शताब्दी स्मृति उद्यान को लोकार्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी शताब्दी उद्यान का नामकरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय और अतिथिशाला का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसके बाद विधानसभा परिसर में बने कार्यक्रम स्थल के मंच पर आसीन होंगे। शाम 7:05 पर पीएम विधानसभा परिसर से एयरपोर्ट के लिए और करीब 7:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री समेत कुल 9 लोग शताब्दी समापन समारोह के दौरान मंच पर बैठे होंगे। सभा अध्यक्ष ने कहा है कि अभी अंतिम रूप से ये पीएमओ की स्वीकृति के बाद ही तय किया जाएगा। राज्यपाल, विपक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री, संसदीय मंत्री भी मंच पर आसीन रहेंगे। हालांकि समारोह के 2 दिन पहले अभी ये भी तय होना बाकी है कि समारोह को कौन कौन संबोधित करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत संबोधन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का संबोधन होना ही है। बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य, पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्य, राज्य मंत्री परिषद के सभी सदस्य, बिहार के सभी सांसद, पूर्व सांसद, बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री, सभी जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बिहार के पद्मश्री अवार्डी व सम्मानित नागरिक आमंत्रित हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कुल 1700 माननीयों को इसमें अपनी ऐतिहासिक मौजूदगी दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर के पूरी तैयारी कर ली। वो 12 जुलाई को पटना पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV। IVTV देखता है इंडिया।